आखिरी फेरे का बहुत गहरा महत्व है। इस फेरे के माध्यम से कन्या वर से वचन लेती है कि आज से वो पराई औरतों को बहुत सम्मान के साथ देखेगा, रिश्ते के बीच किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने देगा। तब उसकी यश जी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए यश जी। और ये देखो अलका गई मोटी चमड़ी बोलते हुए, मोटी चमड़ी तेरी तुझे मेरी धमकियों का कोई असर नहीं है? पर कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरी बेटी की शादी में मत आना। ये राजवती भी पहुंच गई वहां पे, दोनों जन ने पकड़ लिया उस लड़की को। पंडित जी आप फिर शुरू करवाइए। और ये पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना चालू किया, नहीं अंजलि बोल रही, यश जी पर भैरवी देवी का वशीकरण हुआ है। यश जी इस वक्त अपने होश में नहीं। ऐसे जब ठीक है ऐसे थोड़ा बोल देना भाई। अबे एक्शन। इसका लाइट फिक्स करो जाके। किया किया किया। रोलिंग। एक्शन। बढ़िया आप लोग। शो कुंडली मिलन में देखा जा रहा है कि अंजलि पहुंच चुकी है यश और ऋचा की शादी में, और सिर्फ पहुंच नहीं गई बल्कि इस शादी को भी तुड़वा दे रही है। दरअसल होता कुछ यूं है कि अंजलि को पता चल जाता है कि ये सब ऋचा की चाल है, और ऋचा ने किस तरह से यश को अपने तंत्र मंत्र के जरिए वश में किया है ये भी अंजलि जान जाती है। इसलिए वो शादी के मंडप में पहुँच कर यश के हाथ में बंधे धागे को काट देती है, जिससे यश मुक्त हो जाते हैं। टेंशन और ये काटा। ओके उधर हो गया ना इतना? हाँ अभी ये हो गया नितेश, यहाँ मंडप तक का काम इसे। झूठ बोल रही है माँ, पापा, बड़ी दादी। इसी के साथ साथ जब यश और ऋचा फेरे ले रहे होते हैं तो पंडित जी को पता नहीं होता है कि ऋचा प्रेग्नेंट है, लेकिन बाद में ये सच्चाई भी सामने आ जाती है, जिसके बाद ऋचा खुद ही कबूल कर लेती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यश, मैं सच में तुम्हारी बच्चे की मां हूं। ठीक करो एंड लाइन से एंड एक्शन। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए आप लोग। यश, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस अंजलि की बातों पर विश्वास मत कीजिए आप लोग। यश, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पंडित जी ने बोला वहां से? क्या इतना बड़ा धोखा? सॉरी मधु, घर बोलती है? मधु गर्भवती है? एक कुमारी माँ का विवाह करवा रहे थे आप लोग? मेरे हाथों इतना बड़ा पाप होने जा रहा था? एक गर्भवती लड़की की शादी करवाना घोर अनर्थ है, पाप है। यदि इसके गर्भ में कोई बेटी हुई तो पिता बेटी के साथ फिर लेगा। एक शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं पंडित जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्लीज मेरी यश से शादी करा दीजिए, प्लीज पंडित जी। कहीं ना कहीं ऋचा की सच्चाई अब यश के भी सामने आ गई है, और साथ ही पूरे घर वालों के सामने भी आ गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इसके बाद भी यश ऋचा से शादी करेगा या नहीं। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।